दोस्तों लॉकडाउन में अगर आप हो गए हैं कपड़े धोते धोते परेशान और आपके मन में भी आ गया है अब वॉशिंग मशीन लेने का विचार, दो टाइप के आपको मशीन्स के बारे में बताऊंगा, एक सेमी ऑटोमेटिक और एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मशीन जो है वो आपको सूट करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कौन सा मशीन आपको लेना चाहिए और किस बजट में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं तकनीकी रोशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वॉशिंग मशीन लेने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। पहला पॉइंट जो है सेमी ऑटोमेटिक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे हिसाब से 10,000 के ऊपर ना जाएं, क्योंकि 10,000 के अंदर जो भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन आते हैं वो सारे ड्यूरेबल होते हैं और इतने अच्छे होते हैं कि वो आपका आराम से 5-7 साल टिक के आपको पैसा वसूल आपको दे देंगे काम। और दूसरा पॉइंट दोस्तों कि सेमी ऑटोमेटिक लेने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर पे कितने लोग हैं और कितने लोगों का कपड़ा जो है उसमें वॉश होगा। मैक्सिमम 5 to 6 to 8 पीपल भी होंगे तो भी सेमी ऑटोमेटिक जो है अच्छे से काम कर सकता है। आप केजी के हिसाब से उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कम लोगों के लिए 6.2 केजी से लेके 6.5 केजी तक और 2-4 लोग तक के लिए 4 और 5 से 8 लोगों के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो 7 से 8 केजी के वॉशिंग मशीन के ऊपर आप जा सकते हैं। और दोस्तों आपके पास अगर कोई पुराना वॉशिंग मशीन पड़ा हुआ है तो अमेज़न में काफ़ी डील भी चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर भी चल रहे हैं, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं। और दोस्तों मैं जितने भी वॉशिंग मशीन बताऊँगा उन सब का लिंक मैं एफिलेटेड लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको इजी बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, आपको चाहिए तो वहां से जाके ले सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको सेमी ऑटोमेटिक के बारे में बता दूँ। इसमें जो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, रिसर्च करने का जो मेरा टॉप पिक है इस सेमी ऑटोमेटिक सेक्टर में, फील्ड में, वो मैं आप मेरे हिसाब से वर्लपूल का 7.5 केजी का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मशीन मैं बताना चाहता हूँ आपको, जिसमें आपको वाटरप्रूफ पैनल मिल जाएगा। इस वाटरप्रूफ पैनल का काम क्या होता है कि ये आपका वाटर से जो भी रस्टिंग वगैरह जो भी लगता है वो आपको जल्दी होने नहीं देता और बॉडी जो है उसकी लॉन्जिविटी जो है उसके बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी और लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ जाती है। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है टर्बो स्क्रब टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको जो वॉशिंग का जो क्लोथ जो वॉशिंग का क्वालिटी होता है बहुत अच्छा मिलता है और क्वालिटी जो है वॉशिंग की आपको बेस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इसमें 1400 RPM का स्पिन पावर भी मिल जाता है मोटर का, तो ये भी एक अच्छी बात। इसमें दोस्तों 3 प्रोग्राम टेक्नोलॉजी भी मिलती है जिसमें आपको लाइट वॉश, हेवी वॉश और मॉडरेट वॉश जो है, ये तीनों आपको टाइप के कपड़े जो है आप इसमें धो सकते हैं आराम से। और सेमी में जनरली क्या होता है दोस्तों, एक चैम्बर होता है जिसमें आप कपड़े धो सकते हैं और एक और चैम्बर होता है जिसमें आप कपड़े को ड्राई कर सकते हैं। इसमें हीटर वगैरह नहीं होता, तो अगर आपको हीटर वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक में जाना पड़ेगा, वो भी हर एक मॉडल में अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में एक स्क्रब स्टेशन बोल के एक फीचर है, जिस फीचर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप उसमें कपड़े धोते भी हैं लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उसके कॉलर वगैरह जो कहीं कुछ है जो साफ़ नहीं होता, हालांकि अगर 1-2 दिन के कपड़े होंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वो साफ़ नहीं होता तो आप उसे उस कपड़े को निकाल के रब करके फिर आप उसे धो भी सकते हैं। और दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में हमें 4 व्हील्स मिलते हैं जो हमारा काम जो है बहुत आसान कर देता है इसको इधर उधर ले जाने में, तो ये इजी टू कैरी भी। तो अगर आपको सेमी ऑटोमेटिक लेना है तो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए चॉइस ये वाली मशीन होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की। दोस्तों मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया और अगर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए तो उसके लेने के कारण क्या होने चाहिए। और दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स जो है उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा टॉप लोडिंग जो मशीन होते हैं वो, क्योंकि ये जो टॉप लोडिंग मशीन्स होते हैं वो बाकी जो दूसरे फ्रंट लोडिंग ऑटोमेटिक मशीन्स होते हैं उनसे इसका जो पीरियडिक मेंटेनेंस है जो कि हमें भारी पड़ सकता है बाद में वो कम होता है। इस ये जो है इजी टू कैरी है इधर उधर, प्लस इसमें लोडिंग और अनलोडिंग कपड़े का जो लोडिंग और अनलोडिंग होता है वो भी ईजी होता है। साथ में दोस्तों इसमें बड़ा ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन मिलता है हमें और ये बहुत ईजी टू हैंडल है। तो दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में टॉप लोड में जो मेरा रिकमेंडेशन होगा वो हो वर्लपूल का 7.5 केजी का स्ट्रेन वॉश अल्ट्रा वॉशिंग मशीन, जो आपको दोस्तों 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब आपको बिजली की जो खपत है वो भी कम होगी। इसमें दोस्तों 360 वॉट का पावरफुल मोटर मिलता है और इस मोटर पे आपको 10
साल की वारंटी भी मिलती है। और दोस्तों मेरे हिसाब से आप कोई भी वॉशिंग मशीन मंगाए तो उसे खुद से इंस्टॉल ना करें, आप टेक्नीशियन का आने का वेट करें, ताकि अगर उस मशीन में कोई फॉल्ट हो या कुछ हो तो वो टेक्नीशियन उसे रिटर्न वगैरह कर सके। या अगर आप उस बारे में नहीं जानते, फीचर आप जानते भी हैं, फिर भी टेक्नीशियन आपको आके एक डेमो देगा और प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेगा, उसके लिए आपको एक प्रॉपर टेक्नीशियन घर पे बुला के ही उसको अनबॉक्स करना चाहिए। यार दोस्तों मैं इस वॉशिंग मशीन के फीचर के बारे में आपको बता रहा था, तो इसमें दोस्तों सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक से क्या होता है कि अगर आपने कपड़े धोने के लिए डाल दिए, और बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो पता नहीं, वो कुछ भी इधर उधर बटन दबा देते हैं, जिस वजह से मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, मतलब कपड़े वॉश होना रुक जाते हैं। तो इसमें आप चाइल्ड लॉक करके वो सारे जो बटन्स है उनको काइंड ऑफ लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई भी गड़बड़ी आपको नहीं होगी धोते वक्त। तो इस मशीन में आपको अलग अलग कपड़े धोने के लिए अलग अलग टाइप के मोड्स भी मिल जाते हैं, जो आपके काम को बहुत आसान कर देता है। इसमें दोस्तों अगर आप नॉर्मली कपड़े धोएंगे तो वो मिनिमम 45 मिनट्स का टाइम, डिपेंडिंग अपॉन कितने कपड़े आपने डाले हैं, वो लेता है। लेकिन अगर आप थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम जो इस मशीन में आपको 30 मिनट्स देने पड़ेंगे, वो एक्सप्रेस वॉश के थ्रू ये फीचर जो है वो अवेलेबल है, जिसमें आपका पानी का इंटेक 2 टाइम होगा, और अगर नॉर्मल वॉश करेंगे तो पानी का इंटेक 3 टाइम्स होगा। इसमें दोस्तों एक अच्छा फीचर ये भी है कि अगर आप कपड़े को कहीं धो चुके हैं बकेट वगैरह में, तो आप इसमें सिर्फ रिंस और ड्राई भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको सिर्फ ड्राई करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ये फीचर भी इसमें अवेलेबल है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको सिर्फ वॉश करना है और सोक करना है, आपको ड्राई नहीं करना है, रिंस नहीं करना है, तो भी कर सकते हैं, इस वॉशिंग मशीन में ये भी फीचर मिलेगा। एंड दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे पानी नहीं है पर बिजली है, और आपको कपड़े जो है वो धोने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, तो उस टाइम में इस वॉशिंग मशीन में एक जो अच्छा फीचर है वो ये है कि आप बकेट से भी इस वॉशिंग मशीन में पानी डाल सकते हैं और फिर धो सकते हैं। तो ये जनरली हर एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। इसके जो पैनल है दोस्तों वो भी आपका जो लिड ओपन होता है उसके पीछे, इससे क्या होता है कि जब आप पानी डालते हैं या पानी का कुछ भी छिड़काव होता है इस पर, तो पैनल जो है वो जल्द गीले नहीं होते और उन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि ये वाटरप्रूफ तो रहते ही हैं, फिर भी उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, तो वो भी थोड़ा सेफ रह सकता है। और ये जो पैनल है दोस्तों वो LED लिट अप करती है, और इसमें LED मीटर भी दिया हुआ है, जब आप लिड खोलेंगे तो उसमें LED लिड ओपन एंड ऑल ये सब दिखाता है। दोस्तों बहुत सारे आप वॉशिंग मशीन्स देखते हैं जिसमें आप एक बार कपड़े डाल देते हैं धोने के लिए, तो आपको वापस दोबारा उसकी लिड खोल के आप कपड़े ऐड नहीं कर सकते, बट इस वॉशिंग मशीन में मुझे ये फीचर बहुत अच्छा लगा कि ये फीचर भी दिया हुआ है। एंड दोस्तों इसमें आप कपड़े धोते वक्त अपने हिसाब से टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मिनिमम टाइम जो होगा वो 30 मिनट्स होगा, उस हिसाब से आप कपड़े भी सेट धोने के लिए जो है टाइम सेट कर सकते हैं। दोस्तों इस मशीन की जो बहुत खास फीचर जो है वो ये है कि सपोज आप कपड़े धो रहे हैं, धोते धोते क्या होती है कभी पावर कट हो जाता है, और पावर कट होने के बाद आपका जो वॉशिंग मशीन है उसने जितना पानी ले लिया, जितना टाइम ले लिया, और सपोज़ वो बस उसका टाइम ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन फिर जब बिजली आती है दोबारा तो वापस से वो स्टार्ट कर देता है कपड़े धोना, और पूरा का पूरा टाइम लेता है। लेकिन इसमें जो खास फीचर ये है कि जहाँ तक आपके कपड़े धुल गए थे, जैसे ही पावर कट के बाद बिजली वापस आती है तो ये रीस्टार्ट होता है उसी पॉइंट से जहाँ ये ख़त्म हुआ था। तो ये आपका टाइम सेविंग एंड वाटर सेविंग दोनों ही फीचर आपके लिए मौजूद है। और दोस्तों इसमें एक हार्ड वाटर फीचर भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपका जो पानी है वो नॉर्मल पानी है या हार्ड वाटर है। तो अगर आपका पानी हार्ड है, आपके एरिया में जो पानी है वो हार्ड वाटर आता है, तो आप उस बटन को दबा के उस फीचर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि मशीन उसको डिटेक्ट कर सके और उस अनुसार ही उसको यूज़ कर सकें। एंड दोस्तों इस कोविड के टाइम में जो हम कपड़े धोते हैं, तो हमें जनरली कहा जाता है कि गर्म पानी से कपड़े धोने से अच्छा होता है कोविड में जनरली, तो दोस्तों इस वॉशिंग मशीन में हमें हीटर फीचर भी मिला है। तो इस हीटर फीचर्स के हिसाब से हम अपने कपड़ों को वार्म या हॉट वाटर दोनों में ही कपड़े धो सकते हैं। और दोस्तों सोप या कोई भी डिटर्जेंट डालने के लिए हमें एक अलग से सोप डिस्पेंसर जो है वो भी दिया हुआ है, इसमें आप लिक्विड सोप डालें या आप डिटर्जेंट डालें, जो डालना है आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो फुल्ली ऑटोमेटिक में ये टॉप लोडिंग जो वॉशिंग मशीन है ये बेस्ट है। अगर आपको लेना है और आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट होगा, दोस्तों मेरे तरफ से जो सजेशन रहेगा वो यही वाला वॉशिंग मशीन रहेगा। इसमें ऑलमोस्ट हर एक फीचर है और आप इसे लेने के बाद बिल्कुल भी पछताएंगे नहीं।
और दोस्तों अमेज़न पे जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है उसमें ये जो वॉशिंग मशीन है डिस्काउंट में हमें 18,500 के दाम पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से डायरेक्टली बेस्ट बाय लिंक जो होगा उसे आप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों ये एक एफिलेटेड लिंक होगा, तो ये अगर आप इस लिंक से लेंगे तो मेरे चैनल की ग्रोथ में भी मुझे हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जो ये कन्फ्यूजन था वॉशिंग मशीन का वो मैं दूर कर पाया हूँ और आप लोगों को वॉशिंग मशीन लेने में मैं हेल्प कर पाऊँगा। तो आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में आप नीचे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो डिजिटल मंदिर की घंटी उसे दबाएं और टेक्निकल आशीर्वाद पाएं। तो मिलता हूं दोस्तों ऐसे किसी अन्य टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ।